गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो अपन ने पिछली क्लास में अपन ने काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लिया था। ये देखा था कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, नंबर लाइन पे किस तरीके से एडजस्ट होंगे, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे, ठीक है ना। यहाँ से आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं कि नेक्स्ट इस लेक्चर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कशन करना है, इसके आगे हम आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये DPP 1 है, ये आपके लिए है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, DPP 1 को आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को P/Q फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म P/Q, इन द फॉर्म P/Q, इस तरीके से, ठीक है। तो 0.15, 0.675, -25.6875, ये क्या है, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ठीक है। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अपन को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, 0.15 है, तो 0.15, 0.675 को कैसे अपन P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपन इस तरीके से देखते हैं। ये लिखा हुआ है अपन ने 0.15, इस तरीके से, ठीक है। तो अपन को पता चल गया पॉइंट के बाद में दो डिजिट है, ठीक है, 1 और 5, ठीक है। तो अपन ने इस तरीके से लिखा, इसको इस तरीके से लिखा, 0.15 डिवाइडेड बाय 1। डिनोमिनेटर में 1 हम लिख सकते हैं, किसी नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो नंबर सेम रहेगा, ठीक है। अब अपन ने देखा कि पॉइंट के बाद में दो डिजिट हैं, तो अपन ने ये किया, पॉइंट हटाया, 15 डिवाइडेड बाय 1 के आगे 2 जीरो लगाया, ऐसे 15/100 ये आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, 5 से डिवाइड किया इसको, ठीक है ना, 5 से डिवाइड किया 15/100 को, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 और ये आ जाएगा 20। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया 3/20, इस तरीके से, ठीक है। तो 0.15 को अपन ने 3/20 यानी कि P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है 0.675, ठीक है। तो 0.675 को देखते हैं अपन। 0.675 ये लिखा हुआ है अपने पास, 0.675, ठीक है। इसको अपन ने सेम उसी तरीके से लिखा जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। पॉइंट के बाद में 675 तीन डिजिट है, ठीक है ना, तीन डिजिट, ये इसको अपन ने सबसे पहले इस तरीके से लिखा, 0.675 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन ने लिखा 675, पॉइंट हटाया और तीन डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो 30 डिनोमिनेटर में 1 के आगे पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 675 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, सिंप्लीफाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो 5 से इसको डिवाइड किया, तो ये आ गया 1, यहाँ पे 1, 3, ये आ जाएगा अपने पास 3, वन और 3, 2 यानी कि 25 यानी कि 5, फिर इसको 2000, इस तरीके से, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। फिर 5 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा 2, 7 डिवाइडेड बाय 40, अब आ गया अपने पास इक्वल्स टू 27/40, क्या ये आगे डिवाइड होगा, ठीक है ना, देखते हैं, ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, ये फर्दर डिवाइडेड नहीं है। तो इसका जो P/Q फॉर्म है 0.675 का, ये अपना 27/40 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, -25.6875, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
माइनस ट्वेंटी फाइव सिक्स एट सेवन फाइव, ठीक है, इस तरीके से। तो डिवाइडेड बाय वन किया, इसको लिखा अपन ने 2568 2568 75 डिवाइडेड बाय वन और इस तरीके से 40, ठीक है। तो अपन डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 5 से डिवाइड किया तो 200, ये कैंसिल हुआ, इधर आ जाएगा 51 है ना, और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 2, इस तरीके से। फिर अपन ने 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो इधर आ जाएगा 400, इधर 1, इधर 0, इधर 2, इधर 7, इधर 5 आएगा एक्चुअली, और इधर आ जाएगा 5, ठीक। फिर अपन ने 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, इधर आ जाएगा 80 और इधर आ जाएगा 2 और इधर 0, 5, ठीक। तो अपने पास आ गया अब तक 2055 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। 5 से फिर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 16, इधर 4, इधर 1, इधर 1, फाइनली आ गया माइनस 7 रहेगा एक्चुअली, तो फाइनली आ गया -411 डिवाइडेड बाय 16, ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है ना। और इसको अपन ने -25.676875 को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा अपने पास -411 डिवाइडेड बाय 16, -411 डिवाइडेड बाय 16, इस तरीके से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स में क्या क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स का आइडिया हम पहले दे चुके हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के नंबर्स होते हैं, पहला तो होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना, सेकंड होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे अपन ने कोई नंबर लिखा, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दो तरीके से। जैसे अपन ने एक नंबर लिखा सपोज 4.2323 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक। एक ये नंबर लिखा और इसको अपन ने लिख दिया इक्वल्स टू 4.23 बार, इस तरीके से, क्लियर। आगे एक नंबर और हम लिख सकते हैं, इसको अपन ने लिखा 4.2 और यहाँ पे लिखा अपन ने 1414 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4.214 बार, इस तरीके से, क्लियर। तो अपन को यहाँ पे अब दिख गया कि एक टाइप ये है और एक टाइप ये है, इस टाइप और इस टाइप में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद में जस्ट पॉइंट के बाद में जैसे ही हम इधर बढ़े राइट साइड में बढ़े तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो फिक्स हो, यानी कि जिसका रिपीटिशन ना हो रहा हो। इसमें सारे डिजिट्स का पॉइंट के जस्ट राइट साइड में सारे डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक। और इसमें क्या है पॉइंट के जस्ट बाद में सिर्फ 1414 का रिपीटिशन, यहाँ पे 2 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें ये दो नंबर्स में इस तरीके का डिफरेंस है, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, इस नंबर को बोलते हैं हम प्योर रिकरिंग डेसिमल,
प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, इस नंबर को बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये है तुम्हारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, क्लियर। तो प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू हमने तुम्हें समझाया, ठीक है ना, और इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक, और हमेशा माइंड में सेट रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ठीक है ना? तो प्योर रिकरिंग डेसिमल जो कि ये है उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू इसका डिस्कशन करेंगे अपन, x इक्वल टू 0.8 बार, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.8 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू 0.8 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ x इक्वल टू 0.888 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में सिर्फ एक डिजिट ऐसी है 8 जो रिपीट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो अपन ने ये ऑब्जर्व किया यहाँ से कि पॉइंट के बाद में सिर्फ एक डिजिट 8 है जो रिपीट हो रही बार बार, ठीक है ना, और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अपन ये एक रूल मैं बता रहा हूँ कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, टू डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 100 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, थ्री डिजिट्स तो 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद में, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट 8 है जो रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 10 का मल्टीप्लाइड राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक। 10 का मल्टीप्लाई अपन ने किया तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 8.888 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, क्लियर। इस इक्वेशन को हमने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया, ठीक है, अपन लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 8.888 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इधर अपन ने लिखा x इक्वल टू 0.888 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसका रीजन यही हुआ कि अगर बाय द वे हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, ये 0.8888 इनफाइनाइट टाइम्स है और ये भी 0.888 इनफाइनाइट टाइम्स है, 8 इधर अपन ने अगर शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड में पॉइंट के, तो ये नंबर्स इन्फिनिटी ही रहेंगे, क्लियर। सबट्रैक्ट किया अपन ने इस तरीके से, तो इधर आ जाएगा अपने पास 9x, इधर आ गया अपने पास 9x ऐसे इक्वल्स टू, इसको इधर आ गया 8.000 एंड सो ऑन, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है जो कि 0.8 बार के इक्वल है, तो अपन ने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 8/9 इस तरीके से, x इक्वल्स टू 8/9, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, यानी 0.8 बार को अपन ने p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जो कि 8/9 है। अब अगर हम 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज आएगी, 0.8888 करके देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने ऐसे लिखा 9 और 8, लॉन्ग डिवीजन मेथड, पॉइंट लगाया यहाँ पे, यहाँ 0 बढ़ाया, ठीक है, 8 टाइम्स इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 70, सबट्रैक्ट किया इधर फिर 8 आ गया, सबट्रैक्ट करने के बाद में फिर 0 लगाया, फिर 8 आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब अपन को दिख गया कि 0.8888 इनफाइनाइट टाइम, उसका पी अपॉन क्यू फॉर्म 8/9 है, ठीक है। हमने दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, इधर वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है, कि वास्तव में ये 8/9 क्या 0.8888 इनफाइनाइट टाइम्स है या 0.8 बार है, ठीक है, इस तरीके से इसको हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। तो इन नंबर्स को देखते हैं फॉर्म किस तरीके से पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है।
ठीक, पहला है अपना 0.6 बार, ठीक है। तो 0.6 बार फर्स्ट है अपने पास 0.6 बार, ठीक है। इसकी पी अपॉन, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपन को। तो सेम वही प्रोसेस जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक। सबसे पहले इसको अपन ने लिखा आईएक्स इक्वल्स टू 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स। पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट 6 है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अपन दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 10x इक्वल टू इधर आ जाएगा 6.6666। ये 0.66 इनफाइनाइट टाइम्स है राइट साइड में पॉइंट के, तो ये भी पॉइंट के राइट साइड में 666 इनफाइनाइट टाइम्स है। एक डिजिट इधर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनफाइनाइट नंबर्स में, ओके। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने फर्स्ट लिया, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने सेकंड लिया, फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, तो अपन लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट इस तरीके से। और यहाँ पे अपन ने लिखा 10x इक्वल्स टू 6.6666 इनफाइनाइट टाइम्स। इधर लिखा अपन ने x इक्वल्स टू 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स, क्लियर। अब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस माइनस इस तरीके से ये आ जाएगा अपने पास 9x इक्वल्स टू 6.000 इस तरीके से, ठीक है। तो x इक्वल्स टू अपन ने लिखा 6/9, इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, 3 से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो अपन ने देख लिया 0.6 बार का जो p अपॉन q फॉर्म है वो 2/3 है। अपन वेरीफाई करना चाहें तो 2 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है। तो अपन को पता चल जाएगा कि 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 0.35 बार, ठीक है, 0.35 बार। तो इसको अपन ने लिखा x इक्वल्स टू 0.35 35 35 and so on till infinity, ठीक। अपन यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट के राइट साइड में दो डिजिट ऐसी हैं 35 35 जो कि रिपीट हो रही हैं, 35 रिपीट हो रही हैं, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड में। तो अपन को 100 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड और राइट साइड में मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने लिखा 100x इज इक्वल्स टू 100 का मल्टीप्लाई इधर किया तो दो डिजिट यानी कि 35 इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई पॉइंट के, और बाकी ये 35 35 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 100x, 100x इक्वल्स टू 35.3535 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इधर अपन ने लिखा x इक्वल्स टू 0.3535 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, और इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अपन को मिलेगा यहाँ पे 99x इज इक्वल्स टू 35.000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन ने x की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो x लिखा अपन ने 35 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। क्या ये सिंप्लीफाई होगा आगे? नहीं, ठीक है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 35/99 ही 0.585 की पी अपॉन क्यू फॉर्म है, क्लियर। तो ये तीन क्वेश्चन के डिस्कशन से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अपन किसी डेसिमल नंबर को, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल था, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर को किस तरीके से पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तीन क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए यहाँ पे, तो ये अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखना है अपन को अभी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 0.585, है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद में तीन डिजिट, पॉइंट के राइट साइड में तीन डिजिट है 585, ठीक है। तो इसको अपन ने ऐसे लिखा x इक्वल्स टू 0.585
5 8 5 5 8 5 5 8 5 इस तरीके से 5 8 5 5 8 5 5 8 5 जैसा कि अपन को पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद में तीन डिजिट रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब अपन को 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड में, ठीक। तो अपन ने 1000 का मल्टीप्लाई किया, 1000x = इधर ये तीन डिजिट इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे 0.585585 इस तरीके से। फिर अपन क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अपन को मिलेगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर आ जाएगा -9 9 9x इस तरीके से इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा अपने पास -5 8 5.000, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा अपने पास 999x = 585 इस तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 585 डिवाइडेड बाय 999, ठीक है। देखते हैं क्या ये आगे डिवाइड होगा, क्या इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, तो हाँ होगा, ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा और इसका ये भी 3 से डिवाइड हो रहा। तो डिवाइड करते हैं अपन 3 से, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 3, ठीक। आगे देखते हैं क्या आगे डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अपन ने इस तरीके से लिखा 18 और ये बचा 1 और ये आ जाएगा 5, इधर 1 1 1, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास अब 65 डिवाइडेड बाय 111, ठीक। आगे देखते हैं डिवाइड होगा क्या, आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो 0.585 बार को यानी कि ये क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया तो 65/111 ये आ गया, इसकी ये अपनी पी अपॉन क्यू फॉर्म है, ठीक। और इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो 100/11 जो 111 से 65 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये अपना वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये 0.5858, ठीक है ना, आता है, रिपीट करता है 0.585, तो अपना ये आंसर राइट है, ओके। तो ये वर्क आपका है, आप इसको वेरीफाई करें, ओके। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।